हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रिवर्स। मेरा नाम है रिद्धमा ग्रोवर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिका के कुक टॉप के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है 694 CT वेट्रो 2J TKN क्राउन विद AI टेक्नोलॉजी। सो 694 का यहाँ पर मतलब है 69 इंचेस का कुक टॉप है, 4 का मतलब है 4 बर्नर्स के साथ है, क्राउन का मतलब है इसके साथ में जो भी बर्नर्स आते हैं उनकी जो शेप है वो प्रॉपरली क्राउन के जैसी है, जैसे कि किसी किंग के सिर का ताज हो। और इसके साथ विद AI टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं कि कहीं वो आपको खुद ही मैगी बना के दे देगा या खुद ही खाना बना के दे देगा? जी नहीं, AI टेक्नोलॉजी का यहाँ पर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं है, AI टेक्नोलॉजी का मतलब ऑटो इग्निशन से है। सो ऑटो इग्निशन का मतलब होता है कि गैस को विदाउट लाइटर आप प्ले कर सकते हैं, जैसे कि हम उसकी नॉब को घुमाते हैं और वो ऑटोमेटिकली गैस जल जाती है, जिसके अंदर ऑटो इग्निशन का जो लाइटर होता है, स्पार्क प्लग बोलते हैं उसको, वो उसी के अंदर इनबिल्ट होता है। सो आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी एंड साथ ही साथ इसकी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगी। लेकिन आप इंस्टॉलेशन में तो सोच रहे होंगे कि गैस में इंस्टॉलेशन होती क्या है, स्टोव खरीदा, पाइप लगाया और चला लिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें दो तरीके की इंस्टॉलेशन होती है। अगर आपके घर के अंदर गैस सिलेंडर है, जिसे हम LPG कनेक्शन बोलते हैं, तो उसके लिए आप इजीली पाइप को कनेक्ट करके गैस स्टोव को चालू कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपके घर में PNG कनेक्शन है, जिसको हम पाइप्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, अगर उस चीज का कनेक्शन है तो पाइप लगा के आप इजीली गैस को स्टार्ट, चूल्हे को स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इस कुक टॉप के अंदर जो सेटिंग्स आती हैं वो LPG के हिसाब से आती हैं। सो आपको ये PNG कन्वर्ट करवाना पड़ता है सो दैट आपको ये गैस फ्लो प्रॉपर मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ये कन्वर्जन किस तरीके से होता है सो दैट आप इजीली इसको यूज कर सकें। और अगर आप LPG एंड PNG के डिफरेंस के बारे में जानना चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि हम अपने घर के अंदर LPG लगाएं या PNG लगाएं, तो आप इसके लिए मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल पे लाइव हो चुकी है। अदरवाइज आप ऊपर आई बटन में भी देख पा रहे होंगे, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि LPG अच्छी है या PNG अच्छी है। और मैं इस पूरी वीडियो के अंदर PNG को IGL भी बोलूंगी। सो जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में लोग PNG को IGL के नाम से ज़्यादा जानते हैं, दैट इज़ इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो PNG गैस को प्रोवाइड कराती है। सो पूरी वीडियो में आप कंफ्यूज मत होइएगा, IGL एंड PNG एक ही बात है। IGL इज़ अ ब्रांड एंड PNG इज़ अ गैस। सो जेन्युइन जो वर्ड है, जो एक्चुअल वर्ड है, दैट इज PNG। सो इस वीडियो में दो प्रोसेस होने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, फिर हम करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन। सो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है, वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना है, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रिवर्स के नाम से है और मेरा पर्सनल हैंडल रिद्धमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से है। ये इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये एक बॉक्स है, इसकी टेप मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पैकिंग कैसी दिखती है। इसके अंदर हमने जो लिया है वो 4 बर्नर्स वाला लिया है। तो इसके अंदर ये वाला जो कुकटॉप है, इसके साथ ये 4 ब्रास के बर्नर्स आए हैं, जिसका 2 का साइज बड़ा है एंड 2 का साइज छोटा है। उसके साथ में यही उसके ऊपर की लिड्स हैं जो गैस स्टोव पे लगेंगी। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। और इसके साथ ये एक मैनुअल आई है और एक वारंटी कार्ड आया हुआ है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। अब इसको ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। सो ये इसकी प्रॉपर लुक है। इसके अंदर ये है 4 स्टोव्स। इसका सबसे बेस्ट पार्ट जो ये है कि इसके अंदर जो
पोजीशनिंग है इसकी स्टोव्स की, बर्नर्स की, वो बहुत ही अच्छी तरीके से लगी हुई है। जस्ट बिकॉज आप यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे भी कोई भी बड़े बर्तन रखते हैं, कोई कुकर रखते हैं, कुछ है, तो वो एक दूसरे के साथ नहीं टकराता और बहुत इजीली आप कुकिंग कर सकते हो। ये वाली जो शेप है मेरे हिसाब से किसी भी ब्रांड में नहीं आती, बिकॉज ये हमने भी पहले बहुत रिसर्च किया था इस चीज़ पर, तो ये शेप सिर्फ एलिका में ही मिली है हमें। और इसके साथ अब इसके अंदर ये वाले दो जो हैं ये बिग बर्नर्स हैं और ये वाले जो हैं ये स्मॉल बर्नर्स हैं। तो चलिए इसको अब ओपन करते हैं। और ये जो है ये इसके नॉब्स हैं जहाँ से गैस एडजस्टिंग नॉब्स होते हैं। सो 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 नॉब्स हैं। और ये वाला जो है ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाला जो है ये इसके साथ कनेक्टेड है। ये आप इसके अंदर शेप देख पा रहे होंगे कि शेप के हिसाब से पता चल जाएगा। ये वाली जो है ये लेफ्ट वाला है, ये वाला जो है ये नीचे वाला है। और अगर हम इधर की बात करें तो इसके अंदर भी ये वाली शेप्स दे रखी हैं। सो कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसके अंदर, दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़। ये प्रॉपर एक चूल्हा ही है जैसे हम पहले करते थे, बट इसको इसको जो है हॉब लुक दे रखी है, बहुत ही न्यू वे में डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि जो नॉर्मल चूल्हे आते हैं आप अभी भी देख पा रहे होंगे कि अगर हम कभी भी किसी और ब्रांड का परचेज करते हैं तो वो वाले जो चूल्हे होते हैं ना उनकी जो लुक होती है वो बहुत सिंपल होती है, बट ये वाला जो एलिका का मॉडल है ये प्रॉपरली हॉब लुक में दे रखा है। ये प्रॉपर चूल्हा है लेकिन इसकी लुक हॉब वाली है। तो इसके अंदर ये जो है ये प्रॉपर ग्लास टॉप है इसका, प्रॉपरली ग्लास है ये, ऑलमोस्ट कह सकते हैं मतलब ये इतनी इजीली ब्रेक नहीं होता बहुत ज़्यादा हीट से भी, क्योंकि बहुत ही हाई क्वालिटी टफन ग्लास लगा होता है इसके अंदर। ये इसकी नोज़ल है जहाँ से कनेक्शन होगा। और ये जो है इसके अंदर एक तो ये प्लेट लगी हुई है, इसको भी हम हटा सकते हैं ताकि जैसे भी हम कोई कुकिंग करते हैं तो वो इस एरिया पे हमारा खाना गिरता है कुकिंग करते हुए, तो हमको जब भी क्लीन करना है इसको इजीली निकाल लेना है और ये वाले एरिया तक खाना नहीं पहुंचता, आपको सिर्फ आउटर एरिया कवर क्लीन करना होता है, तो ये बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है। हमारे पहले वाले कुकटॉप्स में ऐसा नहीं आता था, जिस वजह से हमारे जो बर्नर्स थे वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद जाके गंदे हो जाते थे। और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये ब्रास के बर्नर्स आते हैं। ब्रास एक इटसेल्फ ही बहुत ही हैवी मेटल होता है, बहुत ही अच्छा मेटल है। एंड इसके अंदर यहाँ पर ये बर्नर्स एडजस्ट होते हैं, यहाँ पर ही लग जाएंगे। ये बड़े वाले गैस का है, बर्नर का है, और इसके साथ ये स्टैंड लगता है, ये स्टैंड की शेप दे रखी है, ये इसके साथ इसमें एडजस्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रहा है आप जैसे देख पा रहे होंगे, और ये इसके हिसाब से ये एडजस्ट हो चुका है। और ये वाली जो ये वाला जो चूल्हा है ये प्रॉपरली ऑटो इग्निशन के साथ है, तो जैसे कि अब अगर हम इस बटन को मूव करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अभी मैंने इसके साथ गैस कनेक्ट नहीं करी हुई है, कनेक्शन नहीं दिया हुआ, इस वजह से ये अभी ऑन नहीं हो सकता, बट मैं इसको वैसे करके दिखाती हूँ। ये मैंने लेफ्ट मूव किया है तो आप यहाँ देख पा रहे होगे यहाँ स्पार्किंग हो रही है, दिस इज़ स्पार्क प्लग। जैसे ही यहाँ से ये स्पार्किंग यहाँ तक पहुँचेगी और गैस जल जाएगी। सो इसका मैं आपको नीचे से ये भी दिखा देती हूँ कि हमने जो सेल लगाया है इसकी जो बैटरी आई थी साथ में वो कहाँ लगी। ये कुछ इस तरीके से दिखता है नीचे से, यहाँ पर ये चारों बर्नर्स के कनेक्शन दे रखे हैं, जैसे हमें ऊपर दिख रहा था वैसे ही नीचे दे रखा है। यहाँ पे पाइप है, ये मेन हमारा नोजल है जो मैंने आपको बताई थी जहाँ से कनेक्शन होता है, और यहाँ से ही गैस फ्लो करती है, फ्लो करके फिर चारों बर्नर्स के अंदर डिवाइड होती है। अब जो सेल की बात है, सेल लगता है यहाँ पर, ये एक दे रखा है ऑप्शन, बहुत ही ईजी है, आप घर पर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अंदर ये सेल लगा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ सेल दिखता कैसे है। तो ये एवरेडी का सेल है, इसके ऊपर लिखा है बैटरी 1045R20P, ये 1.5 वोल्ट्स का है। सो ये इसके साथ ही आता है तो आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, और ये करीब साल भर तो कम से कम चलता ही है, डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना कुकिंग करते हो। तो इसके बाद इसको मैं वापस से लगा देती हूँ। सो मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि हम कोई भी चूल्हा खरीद के लाते हैं और हमारे घर के अंदर अगर IGL लगा हुआ है तो हमारा जो चूल्हा है वो सिलेंडर के हिसाब से बना हुआ आता है। उसका मतलब होता है LPG का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एंड PNG का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, तो उसकी वजह से हम लोगों को जो चूल्हा है वो एडजस्ट करवाना पड़ता है। सो उसकी जो नोज़ल होती है हमें उसको ओपन करवाना पड़ता है थोड़ा सा ज़्यादा, सो दैट IGL का प्रेशर ये झेल पाए और सिम पर या कभी भी हम गैस को फुल पे करें तो ये बहुत ईजिली चले। तो चलिए अब मैं आपको ये वाला प्रोसेस दिखाती हूँ। अब इसको खोल दिया गया है और इसके अंदर हमें दो तरीके की चीज़ें चेंज करनी है। अभी कंपनी से ही टेक्नीशियन आए हैं जो इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इसको क्यों करना होता है,
तो अभी वीडियो पे बने रहे, हम आपको दिखाते हैं। सो ये वीडियो ज्यादा लंबी होने की वजह से हमने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये है पार्ट वन, सो इसका हम पार्ट टू एक और लेकर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल पे बने रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।